सूबे की सियासत में सीसीटीवी की राजनीति आज दूसरे दिन भी जारी है। इस मामले को आगे बढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह से लेकर पटना के आसरा होम तक मामला उठा दिया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश जी, अगर आप हमारे घर के अंदर सीसीटीवी लगाने की बजाय मुजफ्फरपुर बालिका गृह और पटना के आसरा गृह में लगाए होते तो आपके संरक्षण में सैकड़ों बच्चियों का जन्म बलात्कार नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के तरफ इशारा करते हुए आगे कहा कि अगर अपने भ्रष्ट मंत्रियों के घर में सीसीटीवी लगाए होते तो हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से डांट नहीं सुननी पड़ती। बता दें कि बीते कल को नेता प्रतिपक्ष ने सीएम आवास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फोटो साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा था कि यह कैमरा उनके आवास की तरफ इसलिए लगवाया गया है ताकि मुख्यमंत्री उन पर नजर रख सके। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके खिलाफ जासूसी करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में घमासान मच गया है। पटना से बिफोर प्रिंट के लिए नियाज आलम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।